डियर स्टूडेंट, जेकर तुसी मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं कीता है तो इस नूं सबसक्राइब जरूर कर दियो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर दियो, क्योंकि इस तरह मैथ दे कंसेप्ट्स नूं ते समझ नूं आपां किस तरह इजी वे नाल कर सकते हां, समझ सकते हां, इस तरह दे कंसेप्ट्स दे रिलेटेड मैं वीडियो हमेशा तुहाडे लई लैके आउंदा रहिंदा हां। धन्नवाद। डियर स्टूडेंट्स, अपना अज दा टॉपिक क्लास 6 विशा मैथ चैप्टर फर्स्ट विचों है जी। चैप्टर दा नाम है अपनियां संख्यावां नूं जानना, इंग्लिश विच आपां इसनूं कहिंदे हां नोइंग अवर नंबर्स। अज आपां करन जा रहे हैं इसदी अभ्यास 1.2 दा पार्ट 4, ते अज आपां करांगे इसदा क्वेश्चन नंबर 7 ते 8। आओ पहला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह है, एक व्यापारी दे कोल 78,592 रुपए सन, उसने 1200 रुपए प्रति रेडियो सैट दे रेट नाल 40 रेडियो सैट खरीदने लई आर्डर दिता, उस कोल बाकी किन्ने पैसे बचणगे? उसदे कोल कुल रुपए किन्ने सन अपने को? 78,592 रुपए, ते 1200 रुपए दे हिसाब नाल उसने 40 रेडियो सैट खरीद लै। हुण उसदे कोल किन्नी राशि बची है उसनूं आपां हल करना है। आओ देखदे हां कि इसदा आपां आंसर किस तरह सौखे ढंग नाल कढ सकदे हां। आओ इसदा हल देखदे हां। पहला है व्यापारी दे कोल कुल राशि किन्नी सी? व्यापारी कोल कुल राशि उसी अपने को 78,592 रुपए, ते एक रेडियो सेट दी कीमत किन्नी है? 1 रेडियो सेट दी कीमत है अपने को 1200 रुपए। तो उसने किन्ने रेडियो सेट खरीदे हैं? 40 रेडियो सेट। तो इसका मतलब है अपन 40 रेडियो सेट दी कीमत चाहिए है, 40 रेडियो सैटा दी कीमत। एक दी कीमत अपन पता है, 40 दी कीमत आप कढ़नी है, तो इसनों आप 40 दे नाल गुणा कर देंगे। इस नाल तुसी गुणा करोगे तो अपने किन्ना आ जाएगा? 48,000 आ जाएगा। हुण इन्नी राशि उसके कोल सी, इन्नी उसने खर्च ली, हुण उसके कोल जो बाकी राशि बची वह किन्नी आएगी? व्यापारी कोल बची राशि, उसके कोल किन्नी राशि अपने को बची होएगी वह आप कटनी है, तो वह किन्नी आएगी? 78,592 दे विच्चों 48,000 नूं जे आपां घटा दईए, 78,592 विच्चों आपां 48,000 नूं जे घटा दईए, माइनस कर दईए, ए अपने को किन्ना आ जाएगा? 30,592 रुपए। इन्ने रुपए उसदे कोल बच जाणगे। आओ हुण आपां अगला क्वेश्चन देखदे हां। डियर स्टूडेंट्स, अपना अगला क्वेश्चन इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने 7,236 नूं 56 दी बजाय 65 नाल गुणा कर दिता। गुणा किस दे नाल करना सी? 56 नाल, पर उसने गलती नाल 65 नाल गुणा कर दिता। सही उत्तर नालों उसका उत्तर किन्ना ज्यादा है? हुण आपां इस क्वेश्चन नूं दो मैथड नाल कर सकते हैं, मैं तुहानूं दोनों मैथड्स दे नाल इस क्वेश्चन नूं करके दिखाऊंगा। ते पहला अपना मैथड है कि आपां इसनूं डायरैक्ट गुणा नहीं करनी है, तो दूसरे मैथड विच तुहानूं मैं डायरैक्ट गुणा दे नाल करके दिखाऊंगा। आओ उसनूं हल करते हैं कि 7,236 नूं पहला विद्यार्थी ने करना सी गुणा 56 दे नाल, पर कर दिता 65 दे नाल, ते उसदा हुण सही उत्तर नाल उसदा उत्तर किन्ना ज्यादा होएगा? क्योंकि वड्डे नंबर नाल गलती नाल गुणा कर दिता है, छोटे नंबर नाल गुणा करना सीगा ते वड्डे नंबर नाल गलती नाल उसने गुणा कर दिती, इसका मतलब उसका जो सही उत्तर है वह छोटा होएगा, तो जो गलत उत्तर है वह वड्डा होएगा, तो सही उत्तर नाल उसका जो गलत उत्तर है वह किन्ना ज्यादा है वह आपां पता करना है, कि जो सही उत्तर दे नालों जो गलत वाला उत्तर उसका किन्ना ज्यादा है। हुण इसनों हल करके दो मैथड हैं, आपां दोनों मैथड्स दे नाल तुहानूं मैं करवा दिंदा हां, तुहानूं जिस दे नाल ईजी लगेगा तुसीं उस नाल पेपर विच कर सकते हो। पहला अपने को देखो, 65 अते 56 दा अंतर, पहले आपां 65 ते 56 दा अंतर देखते हैं किन्ना है अपने को, ये अपने को 9 दा अंतर है,
इसका मतलब है कि इस दे नाल गुणा करनी सी 56 दे नाल, उसने 65 दे नाल गुणा कर दी, तो 65 ते 56 का जो अंतर है अपने को 9 आया है। इसका मतलब सही अते गलत उत्तर का जो अंतर आएगा वह कितना आएगा, इसनों आप 9 दे नाल गुणा कर देना है। तो जे इस 9 दे नाल गुणा करोगे तो आंसर इन्ना आएगा 65 124। ये हो गया अपने को पहला मैथड, सही अते गलत उत्तर का जो अंतर है वह अपने को कितना आ गया है 65 124। हुण इसे क्वेश्चन आप इस तरह भी हल कर सकते हैं। पहला आप कर सकते हैं कि इसनों तुसी 65 दे नाल गुणा करना है एक बार, तो इसनों तुसी एक बार 56 दे नाल गुणा करना है। ये मैं गुणा करके तुहानू लास्ट विच आंसर लिख देना है। विच वाली जो कैलकुलेशन है गुणा है वो तुसी खुद करनी है। इत्थे अपने को आ जाएगा 470 340, तो इत्थे अपने को आ जाएगा 405 216। हुण ये अपने को गलत उत्तर है, ये अपने को सही उत्तर है। गलत उत्तर तो सही उत्तर कितना ज्यादा है, इसनों आप माइनस कर देवांगे 340 दे विचों, इसनों आप माइनस कर देने हैं। देखो इधरों अपने को आंसर चले जाएगा 3, इतने 10 बन जाएगा, 4 3 विचों 1 चला जाएगा, 2 1 ये 6 आ जाएगा, इतने 10 आ जाएगा, 5 ते 6 0, सेम अपने को नया आंसर आ गया देखो 65 124। इस क्वेश्चन आप दो तरह कर सकते हैं, ये अपने को आ जाएगा गलत उत्तर, ये अपने को आ जाएगा सही उत्तर। तो फिर आप गलत ते सही दा जो है वह कितना आप पता लग जाएगा, उन्होंने कितना उसको ज्यादा है, जो सही उत्तर तो गलत वाला उत्तर कितना ज्यादा है 65 124। होप के स्टूडेंट तुम ये क्वेश्चन जो मैं करवाया है वो इजी तरह सम अच्छी तरह समझ लग गया होगा। इसनों तुसी दोनों मैथड विचों जिस विच तुहानू ईजी लगे उसनां तुसी कर सकते हो। जेकर वीडियो तुहानू अच्छी लगी है इसनों लाइक अते शेयर जरूर कर देना, मेरे चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर देना, ते बैल आइकन नूं भी जरूर प्रेस कर देना। धन्यवाद।